दोस्तों चना मसाला पूरा रेडी है। मैं आपको पैलेटिंग करना दिखा रहा हूँ। भाई देखिए निकाल दिया हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों आज हम कुकिंग में बनाने वाले हैं चना मसाला। ये मैंने चना को उबाल लिया हूँ दोस्तों। इसको कम से कम आप कुकर में भी भर सकते हैं, मैं कुकर में नहीं, मैं टोपिया में गैस में कम से कम 10-15 मिनट लगा के, ये देखिए अच्छा से पूरा हम उसको पका लिए। और इसका छोंका लिए हमने प्याज और लहसुन रखा, ये हम छोंक में देंगे। लहसुन भी मैंने इसको मतलब कूटा नहीं है, एक गोटा गोटा ही रहेगा। इसका मसाला दिखा देते हैं आपको। ये 2 टमाटर लिया हूँ, 1 प्याज और ये 10-12 लहसुन की कली है और 1 चम्मच जीरा देंगे। तो चलिए आपको मिक्सर में दिखा देते हैं। ये धनिया पत्ता जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, ये देखिए मिक्सर में डाल देते हैं सब मसाला, प्याज लहसुन ये टमाटर आदि जब डालेंगे। इसमें जीरा जीरा थोड़ा सा ही देंगे, 1/2 चम्मच तक। अभी इसको थोड़ा पाइन डाल के पीस लेते हैं, फिर भी आपको पूरा रेसिपी दिखाते हैं। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिस जिसने किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। देखिए कढ़ाई में चढ़ा दिया हूँ और गर्म भी हो चुका है। अभी हम इसमें तेल ऐड करेंगे। और दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा मैं कुकिंग कैसे किया हूँ। तो आप मेरा चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको बहुत अलग अलग टाइप का वीडियो मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा। जाइए देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, कढ़ाई गर्म, तेल भी गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे 4-5 केरी का पत्ता, फिर डालेंगे इसमें तेज पत्ता, फिर डालेंगे इसमें जीरा थोड़ा सा, अब गैस को कम करके रखा। अभी हम इसमें डालेंगे प्याज और फिर मैं ज़्यादा नहीं लगाऊँ, थोड़े तेल लगाऊँ और इसको फ्राई होने देते। अभी ढालने वाला इसमें जो हमने लहसुन निकाल के रखे थे गोटा वो लहसुन, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे इसमें पिसा हुआ जो मसाला है, टमाटर प्याज लहसुन और जीरा। इसमें अदरक नहीं दिया है, आप चाहे तो दे सकते हैं, अदरक का गुस्सा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने नहीं दिया। आप मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा तो याद रख मत दीजिएगा, केरी पत्ता का छोड़ दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए मसाला ये लाल हो गया, थोड़ा सा गैस को कम ही करके रखा है, उसका मसाला जल जाएगा जो तेज पत्ता और केरी पत्ता है। गैस को तेज कर देता, अभी ये मसाला को डालेंगे इसको फ्राई करेंगे 2-3 मिनट। मसाला अभी भी मिक्स करके बहुत सारा लगा हुआ है। अभी इसमें पाउडर मसाला ऐड करेंगे। मैंने चना उबाला पहले ही दिखा मतलब कर लिया था, आपको दिखाया नहीं मैंने। ये नमक है 1 चम्मच और थोड़ा सा देंगे, 1 चम्मच क्या पकड़िएगा, आप कितना लीजिएगा चना उस हिसाब से दीजिएगा। अभी डालने वाला हूँ हल्दी, 1/2 चम्मच से भी कम है, ले ला लेते। अब डालने वाला उसमें लाल मिर्ची पाउडर, आपको तीखा जितना पसंद आप उतना ही डालिएगा। देखिए और थोड़ा सा डालेंगे, मेरा डबल में खत्म हो गया तो मैं 1/2 चम्मच तक डाला आइडिया में। अभी डालने वाला हूँ इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी थोड़ा सा ही डालने वाला हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि 1/2 चम्मच से कम। तो मिला दे दो तो। अब इसमें डालने वाला हूँ काली मिर्च, जो हमारा बंगाली में इसको गुड़ मिर्ची भी बोलते हैं, उसको मैंने पाउडर करके रखा, तो वो भी थोड़ा 2 चुटकी डालेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। अब डालने वाले इसमें गर्म मसाला,
आपके पास है गरम मसाला डाल दीजिए, नहीं तो कोई भी आपका घर पे सब्जी मसाला हो आप डाल सकते हैं। अभी इसको 2-3 मिनट फ्राई करेंगे, उसके बाद उसमें चन्ना ऐड करेंगे। देखिए मसाला फ्राई हो चुका है, अब जो चन्ना है वो डाल रहे हैं। चन्ना के साथ उसको फ्राई करेंगे। अभी इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, जो मसाला फ्राई किया था तभी थोड़ा पानी दिए थे। अभी गैस को कम करके उसको मसाला के साथ अच्छे से उसको फ्राई करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं देंगे। धनिया पत्ता बाद में ऐड करेंगे, गैस को कम कर देंगे। देख लेते कितना पक गया सब्जी मसाला चिन्ना, देखिए बनी गया। अभी इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देते, ताजा ताजा धनिया पत्ता देंगे तो इसमें खुशबू आएगा बहुत अच्छा। और दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो बना है लेकिन पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा मैंने कुकिंग कैसे किया है। और ऐसे ही मेरा चैनल पे जाइए, आपको बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी मिलेगा। आज करके देखिए और अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करिए, और मैं एक दिन बाद वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको एक दिन बाद मेरा वीडियो मिल जाएगा। मैं 2 बजे तक डालता हूँ, 2 से 3 बजे का बीच में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो जाइए देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। देखिए अभी गैस को थोड़ा तेज कर देते हैं, और लहसुन जो दिया है मैंने ऐसे छोक में गोटा गोटा, देखिए कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने गोटा डाला है लहसुन थोड़ा, और पीस के भी दिया है। बस ये बन ही गया। अभी धनिया पत्ता डालने के बाद ज्यादा नहीं पकाएंगे, इसमें कम ही पकाऊंगा। चलिए अब इसका प्लेटिंग करना आपको दिखा देते हैं, बाकी हमारा रेसिपी पूरा रेडी है। देखिए दोस्तों चन्ना मसाला पूरा रेडी है, मैं आपको प्लेटिंग करना दिखा रहा हूँ। देखिए निकाल दिया हूँ, बहुत अच्छा दिख रहा है चन्ना मसाला। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, बाय दोस्तों।